डी so, so, क्रिएट तो कर चुकी हूं अगर नहीं देखा है अभी तक तो जल्दी से जाओ वाला देखो बहुत ही सुपर डुपर माइंड ग्लोइंग लुक था वो अगर आप वो इस दिवाली पर कैरी कर लेते हो तो लाइक पटाखा बिल्कुल आप ही लगने वाले हो और ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है बिगनर्स के लिए और मेकअप लवर्स मतलब जो बिगनर है और टीनेजर्स है उनके लिए बहुत सही रहने वाला है क्योंकि बहुत क्विक है बहुत इजी है सिंपल एक आई से मैंने ये लुक क्रिएट किया है कोई फॉल्स आई लाशेस नहीं लगाए कोई लेंस नहीं लगाए तो बहुत क्विक सा और बहुत इजी सा ये मेकअप लुक है सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर एंड वीडियो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए लेटेस्ट स्टार्ट है सो ये ऑलवेज़ मेकअप से पहले मैं स्किन प्रैप करती हूँ तो यहाँ मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ अगर आप बिगनर हैं तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं आप जो मन चाहे क्रीम यूज़ कर सकते हैं सो so, उसके बाद मैंने यहाँ फिट फिटमी का फाउंडेशन जो है वो अप्लाई किया है इन द शेड वॉम न्यूड आई थिंक 128 शेड नंबर था इसका शेड नेम है वॉम न्यूड बेगनर्स हो या टीन एजर्स हो तो आपके लिए ये बेस्ट है फाउंडेशन आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज और फिनिश है इसकी सो so, अभी मैं आई मेकअप करूँगी बहुत इजी आई मेकअप है बट मैं फ़ाउंडेशन लगा चुकी थी तो फॉल आउट ना हो जाए आई शेडो का इसलिए मैं अंडर आइज पे अपने लूज़ पाउडर लगा रही हूँ और मैंने कहीं कोई कॉम्पैक्ट नहीं लगाया कहीं कोई लूज़ पाउडर नहीं लगाया सिर्फ अंडर आइज़ पे बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा भी आई शेडो गिर जाए तो मेरा फाउंडेशन ख़राब हो जाए सो यहाँ मैंने ये अपनी ड्रेस से मैचिंग का शेड ले आ, अपने पूरे आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ बाय द वे मैंने मॉर्फी जैकलिन हिल पैलेट यूज़ करी थी यहाँ पे आप कोई सी भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं बस आपको अपने ड्रेस मैसिंग का आई शेडो प्लेस करना है मैंने पहले पूरे पे प्लेस कर दिया और अब उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना जो एजेस होते हैं बस उसे ब्लेंड कर रही हूँ डेट सेट यही होने वाला है मेरे आज का आई मेकअप इतना ज़्यादा ईजी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगेगा और इतना इजी था और सिर्फ एक आई शेडो देखिए आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन है सब so मैं आईब्रोज फ़िल कर रही हूँ और मैं आज वेट एन वर्ल्ड की आईब्रो पैलेट यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर या मैं अपने हर वीडियो में वेट एन वर्ल्ड की पैलेट यूज़ कर रही थी मैंने लास्ट वीडियो में डिसाइड किया था नहीं अब मैं अपने सारे आईब्रो प्रोडक्ट यूज़ किया करूँगी क्योंकि वो मुझे इतना पसंद है इसलिए मैं उसी को यूज़ करती थी पर इसी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है इसमें पीछे स्पूली भी मिलता है आप देख सकते हो और दोनों आईब्रो में डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा लग रहा था ना ओके सो so, आईब्रो के बाद मैं यहाँ जो ये पाउडर था इसे हटा रही हूँ एक्स्ट्रा जितना भी था और यहाँ मैंने सिवाना की पैलेट निकाली फेस पैलेट ही मेरी बहुत पुरानी पैलेट है बहुत फेवरेट पैलेट है काफ़ी कुछ तो मैं इसका ख़त्म भी कर चुकी सो इसमें से मैं ब्लश ले अप्लाई कर रही हूँ और आज कोई ब्रॉन्जर नहीं करूँगी कुछ नहीं सिर्फ ब्लश अप्लाई करूँगी और इसके ब्लश में ना शीन सी है मतलब मेटिफाई ब्लश नहीं है इसका यार काजल लगाया था मैंने काजल का क्लिप मेरे से शूट होने से रह गया सो आप नॉर्मल ब्लैक कलर का काजल लगाना है बस और जो ये मैंने आई शेडो लगाया था उससे नीचे स्मच कर रही हूँ ये ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी आप करना चाहे करें नहीं करना चाहे मत करें अच्छा काजल लगाना भी ऑप्शनल है आपको पसंद है तो लगाएँ नहीं लगाना हो तो ना लगाएँ बस आ, मैंने लगाया था अब इसी पैलेट में से मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अच्छा हाइलाइटर कभी ना स्किप करें क्योंकि फेस्टिवल में जगमगाना ग्लो करना ब्लशी ब्लशी सब देखना ये तो यार लड़कियों का हक बनता है पूरा सो so, मैं यहाँ हाइलाइटर लगा रही हूँ और हाइलाइटर तो मेरा फेवरेट 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 पार्ट है आप सबको ही पता होगा सो so, आप देख लीजिए ये मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ पता नहीं ये पैलेट अब अवेलेबल होगी कि नहीं बट ये मैंने अमेजोन से खरीदी थी बहुत टाइम पहले आई मीन टू से मेरे जब मैं मेकअप में बिगिनर थी तब मैंने ये खरीदी थी और मुझे बहुत बहुत पसंद थी ये पैलेट स्टिल मुझे अभी तक पसंद है तो अगर इसका लिंक मिल पाया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी और जब मैं इस तरीके की सारी चीज़ें लगा लेती हूँ ना तो लास्ट में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस को इस तरीके से टैप टैप कर लेती हूँ मैं कभी भी वीडियो में ये वाला स्टेप इंक्लूड नहीं करती थी बट मैंने आज किया है इसके बाद ना आपके फेस की जितनी भी चौकीनेस होती है ना वो हट जाती है और फ़ेस पर एक सेटल आनेस आ जाती है तो आप कर सकते हैं ऐसा अगर आप चाहें तो और यहाँ मैं मस्कारा लगा रही हूँ मस्कारा के लिए ब्लू हेवन का मस्कारा अच्छे से टू कोड्स मैंने लगाए हैं और क्योंकि मैं आज कोई भी फॉल्स आई नहीं यूज़ कर रही बिकॉज ये टी एजर मेकअप लुक है बिगनर मेकअप लुक क्या तो बिगनर्स को और टीनेजर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है आई एंड ऑल लगाने में और एक हैवी लुक दिवाली के लिए मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ उसमें मैंने आई लेंस आग सब कुछ लगाया था आप चाहें तो वो देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा सिंपल साइड पर रखा है स्किन नो लेंस एंड नो आई लैशेज़ एट ऑल बहुत सिंपल और सच बताऊँगा तो तीज त्यौहार पर यार इतना टाइम भी नहीं होता इतना क्विकली हमें रेडी होना होता है तो ये एकदम परफेक्ट मतलब दिवाली अप्रोप्रिएट मेकअप लुक का जो आप बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ताम झाम बहुत कम है इसमें ओके सो आप सिंपली मैं यहाँ लिप शेड यूज़ कर रही हूँ काइंड ऑफ पीची कोरल शेड था ये ई डी एस मैट प्रो की लिप uh, लिपस्टिक्स थी ये शेड मुझे इतना पसंद है पता नहीं शायद जब से मैंने लिपस्टिक्स लगानी शुरू करी है या एटलीस्ट तीन चार साल से मैं स्लिप शीट शेड को कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ अपनी डेली लाइफ में आ, मतलब मैं अपनी लाइफ में न्यूड शेड्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो यही शेड मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ वीडियोज़ के अलावा भी मैं हमेशा इसी शेड को अप्लाई करती हूँ सो लिपस्टिक के बाद ये ऑप्शनल है अब आप बोलोगे सब कुछ ऑप्शनल ही बता रही है लेकिन हाँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है मैंने ना यहाँ वही जो आईब्रो डिफाइनर था वो लिया था या काजल लिया था मैं भूल गई काजल लिया था काजल से लाइनर की तरह एक लाइन ड्रॉ करी और इसे ना स्मज कर रही हूँ इसे ना बहुत सा स्मजी स्मजी सा इफ़ेक्ट आ जाता है आप चाहें तो उसकी जगह प्रॉपर विंगड आई लाइनर या सिंपल आई लाइनर जेल आई लाइनर लिक्विड आई लाइनर पेन आई लाइनर जैसा लाइनर चाहे अप्लाई कर सकते हैं पर इस तरीके से करेंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा और यहाँ मैंने अप्लाई करी है क्रिस्टल वाली बिंदी और यहाँ मेरी झुमकी और मेरा लुक रेडी है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे अच्छे सा कॉमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें